बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम निकले हैं बाहर अपनी फैमिली के साथ। तो मैं गई थी अपने सिस्टर की तरफ, तो वहाँ से हमारा प्लान बन गया कि हम चलते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी तो हम सिटी गए हैं। तो वहाँ पे खारिया में जो है ना एक शॉप है, वहाँ पे उधर का फलूदा बड़ा मज़ेदार है, वो हम जब भी जाएं खाते हैं। तो वहाँ से हमने एंजॉय शॉय किया, फिर जी आ गए हम वापस घर। घर के करीब ही था, उधर से फिरे टूरे, फिर कुछ चीज़ें चीज़ें ली। तो फिर मेरी सिस्टर ने आके फिर ये खाना बनाया, और साथ में फिर मीठे में पूछ रही थी। मैंने कहा चलें, वो कस्टर्ड बड़ा मज़ेदार सा बनाती है, ले लगा के केक शेक की। तो मैंने कहा चलो तुम जो है ना वो मीठा बनाओ और मैं साथ में जो है ना वो वीडियो बनाती हूँ। तो ये नॉर्मल जो दूध है उसमें वनीला कस्टर्ड जो है उसने मिक्स की है, और वो साथ में हम काम भी कर रहे थे और मैं जो है वो वीडियो बना रही थी। और तो जी कस्टर्ड बना लिया मेरी सिस्टर ने, अब इसको ज़रा अच्छे से वो फेंटी ताकि इसमें कोई वो गुठली वगैरह बने, और फिर साथ डालेगी दूसरे बर्तन में। और जब ये ठंडा हो के ठंडा होता है तो फिर जी बाकी डिश में डाल के फिर वो जो सारा स्टेप करना है वो उसके बाद करते हैं। फिर इसको रखेंगे जी हम फ्रिज में। ये वो हो गया, देखें थोड़ा गाढ़ा भी हो गया। तो फिर इसको वो ऊपर जो मलाई की लहर सी आती है ना उसको ज़रा अच्छे से करें तो फिर वो मिक्स हो जाता है। और ये केक की लगाएंगे नीचे तय, और ये वो कोकटेन वाले फ्रूट्स हैं ये ऊपर शूपर डालेंगे। और उसके बाद जी हम फिर इसको ठंडा करेंगे फ्रीज़र में रख के, और उसके बाद हम करेंगे एंजॉय। तो फैमिली के साथ जब बंदा इकट्ठा होता है फिर हम लूडो भी काफ़ी खेलते हैं मिल के, और बच्चे भी अपने कज़न के साथ बिजी होते हैं, फिर अच्छा लगता है। कभी कभी आना जाना लगा रहता है। तो ये इसके नीचे भी इनको ज़रा तोड़ के डालेंगी, और फिर उसके ऊपर ये कस्टर्ड वगैरह डाल के ये सारा ऊपर से गार्निश कर दिए। तो मैंने कहा चले आज मैं उनके सारा व्लॉग बना रही थी और आपके साथ फिर मैंने ये शेयर की है। और इसी के साथ मैं फिर आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।